नमस्कार, कुसुम डॉट किचन में आपका स्वागत है। आज हम अपन किचन में बनाने जा रहे हैं नाचोज। नाचोज एक मैक्सिकन नाश्ता है। नाचोज बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये मार्केट में पैकेट्स में भी मिलता है और मैक्सिकन रेस्टोरेंट में सालसा सॉस और चीज के साथ सर्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नाचोज बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक बाउल मक्का का आटा, एक बाउल मैदा, नमक स्वाद अनुसार, ऑरेगनो एक टीस्पून, ऑयल दो टेबलस्पून, गुनगुना पानी आटा गूंदने के लिए। तो देखते हैं सालसा सॉस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। केचप दो टीस्पून, दो टेबलस्पून खीरा, एक टीस्पून लाल मिर्च, एक प्रोसेस चीज़ का क्यूब, एक टीस्पून विनेगर, एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ, आप इसको क्रश करके भी ले सकते हैं, चार पांच बेसिल के पत्ते, एक टेबल स्पून धनिया बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक टीस्पून नींबू का रस, एक टीस्पून ऑलिव ऑयल। नाचोज बनाने के लिए एक बाउल के अंदर हम मक्का का आटा लेंगे, मैदा लेंगे, ऑरेगानो डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसमें मोइन के लिए तेल डालेंगे। तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मक्का का आटा है, इसलिए इसमें तेल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। अब इसको गुनगुने पानी से गूंदेंगे। बहुत टाइट डो तैयार नहीं करना है। डो तैयार हो गया है, इसको हम 15 मिनट के लिए दूसरे बाउल से ढककर रख देंगे। डो को हमने 15 मिनट की रेस्ट के लिए रखा है। उतनी देर हम सालसा सॉस की तैयारी कर लेते हैं। हम सालसा सॉस की सभी सब्जियों को, मसाले को एक एक करके बाउल में मिक्स कर लेंगे। टमाटर, खीरा, हरा धनिया, हरी मिर्च, बेसिल के पत्ते, केचप, लाल मिर्च, विनेगर, नींबू का रस, ऑलिव ऑयल, नमक हम सर्व करते वक्त डालेंगे। हमने सालसा सॉस मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर मैंगो भी डाल सकते हैं, बीटरूट भी डाल सकते हैं। सालसा सॉस हमारा तैयार है। 15 मिनट हमारे हो चुके हैं। डो हमारा तैयार है। अब हम इसके नाचोज बना लेंगे। तेल गर्म होने को रख दिया है। नाचोज हम बनाते हैं। रोटी को बिल्कुल पतली बेलेंगे। रोटी हमने बेल ली है, इसको हम किसी भी ढक्कन से कट करेंगे ताकि नाचोज सभी हमारे एक ही साइज़ के बने। एक्स्ट्रा पोर्शन को निकाल देंगे। इसके किनारे मोटे नहीं रहे इसलिए थोड़ा सा इसको बेलेंगे। अब इसको हम कट करेंगे। एक सीधा कट लगाएंगे, दूसरा आड़ा लगाएंगे। अब चाकू से थोड़े इसमें छेद करेंगे ताकि ये कढ़ाई में डालने के बाद फूले नहीं। इसी तरह से हम सबको धीरे धीरे प्लेट में निकाल लेंगे। हमने और भी नाचोज बना लिए हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हम नाचोज को कढ़ाई में डालेंगे। ध्यान रहे डालते वक्त नाचोज टूटे नहीं। और इसको धीमी धीमी आँच क्रिस्पी होने तक तलेंगे। नाचोज हमारे तल गए हैं। देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है और बिल्कुल क्रिस्पी हो गए। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे नाचोज भी कढ़ाई में डालेंगे। दूसरे नाचोज भी हमारे तल गए हैं। इसी तरह से हम इसको भी बाहर निकाल लेंगे। गैस बंद कर देते हैं। नाचोज हमारे बन चुके हैं। अब हम इनको सालसा सॉस के साथ सर्व करेंगे। देखिए अब इसमें हम चीज़ लगा रहे हैं, ऑलिव भी रख रहे हैं। इन सब चीज़ों से अच्छे से डेकोरेट करेंगे। नाचोज हमारे तैयार है। हमने इसको सालसा सॉस के साथ सर्व किया है। देखिए देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप इसको मैंगो सालसा सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
और इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक बार नई रेसिपी और नए स्वाद के साथ। धन्यवाद।